टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर आज MIM पार्टी ने शीलफाटा पर एक मीटिंग रखी थी। इस मीटिंग में MIM के हाजी अब्दुल मजीद, अयाज मौलवी, अमजद बरकाते और तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। एजुकेशन में 5% मुस्लिम आरक्षण की मांग को लेकर 27 नवंबर को मुंबई में MIM पार्टी की तरफ से एक बड़ा एहतजाज होने वाला था, जिसकी परमिशन MIM को नहीं मिली। इस मुद्दे पर MIM सभी को जोड़ने की बात कर रही है, मगर वहीं MIM के हुए इस मीटिंग में ही MIM के नगर सेवक और कुछ कार्यकर्ता शामिल नहीं हुए थे। इस पूरे मामले पर जब हमने अब्दुल मजीद और अशरफ चौधरी से बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। देखिए, जो पार्टी का ये प्रोग्राम पार्टी की तरफ से रखा गया था और कहा गया था कि पूरे मुंबई में जो 5% आरक्षण की बात हो रही है, हमारे अशोक ऋषि भाई ने जो 5% आरक्षण की मांग की है गवर्नमेंट से दलितों और मुसलमानों के लिए, उसके लिए हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला था 27 नवंबर को, लेकिन वो परमिशन ना मिलने के कारण वो प्रोग्राम हमारा आगे गया है। दिसंबर 10 या 12 तारीख को हमको परमिशन मिलेगा और उसके लिए हम लोग एक बहुत बड़ी रैली ले जाएंगे और वहाँ जो है मैदान में पहुँच करके 5% आरक्षण की बात करेंगे और गवर्नमेंट से 5% आरक्षण मुसलमानों के लिए लेना हमारा हक है। और आज जो मैंने मुंबई में प्रोग्राम रखा, जो मैंने अपने ऑफिस से प्रोग्राम रखा, उसी के सिलसिले में रखा, जिससे हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अयाज मौलवी साहब आए और अमजद बरकाती साहब, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में घूम घूम कर हर शहर में जा रहे हैं और इनका यही मुद्दा, इनको आगे ऊपर से जो है परमिशन है कि आप शहर को जोड़िए और शहर के लोगों को इकट्ठा करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग रैली में पहुँचे और ये 5% मुद्दे की बात को रखी जाए। हाजी साहब, आप कह रहे हैं शहर के लोगों को जोड़ा जाए, इकट्ठा किया जाए, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है आपके ही पार्टी के कुछ लोग यहाँ पर नहीं आए हुए हैं, तो क्या वजह है आखिर जो नहीं आए? देखिए, हमारे पार्टी के जो लोग नहीं आए हुए हैं उनका एक अलग कुछ सोच है, उनका ये सोच है कि अगर हमें परमिशन नहीं मिला है तो ये प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, कुछ तो उनका सोच ये है और कुछ तकलीफ उनको हमारे अमजद बरकाती साहब से और अयाज साहब से है। लेकिन यहाँ पर नहीं आए वो, आपकी इस कार्यक्रम में नहीं आए, तो क्यों नहीं आए? नहीं, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि कार्यक्रम में नहीं आए जो, वो उनको तकलीफ से अयाज मौलवी साहब से और अमजद बरकाती साहब से। आपने दावत दिए थे उनको? दावत मैंने सबको दिया था, किसी को दावत नहीं, व्हाट्सअप, फेसबुक और पर्सनली मैंने फ़ोन करके सबको बोला था, लेकिन अब नहीं आए तो उनकी मर्जी है। नगर सेवक शालम भाई भी नहीं आए क्या? नहीं, शालम भाई के मैं घर पर गया था, सालम भाई से मैंने बात किया था, सालम भाई डायरेक्ट मुझसे बोले कि मेरे भाई यहाँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अभी कोई है नहीं और जब पार्टी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दे देगी तो हम उनके पीछे आएंगे, हम अयाज मौलवी के पीछे नहीं आएंगे। ये बोला कोई बात नहीं। नाम रखे तो आपने महाराष्ट्र के जो इम्तियाज जलील साहब है, गफ्फार कादरी, सबसे इजाज़त लेके रखे जी? मैंने तो गफ्फार कादरी से मेरा परसों ही बात हुआ था जी, और हमारे अयाज मौलवी साहब का और अमजद भाई का तो डेली बात होते रहता है, प्रोग्राम के बारे में डेली बात होता है कि कहाँ प्रोग्राम है, कहाँ रखा जा रहा है, कहाँ मीटिंग बुलाई है, टेलीकॉम को अपडेट दिया जा रहा है। तो मैंने तो गफ्फार कादरी साहब से बात किया था, वाजिद प्रधान साहब भी बोले कि हाँ प्रोग्राम आप करिए, जो आता है उसके साथ, कोई अगर मना करता है तो मेरा नाम लीजिए और मुझे बताइए कि मैंने कहा है करने के लिए, मैं उनके इंस्टेंशन पे प्रोग्राम रखा। उसके बावजूद भी यहाँ के लोग क्यों नहीं आए? अब नहीं आए, उनकी मर्जी, यानी कि हाई कमान की बात नहीं सुनी उन्होंने? नहीं, हाई कमान ने उनसे कहा नहीं, हाई कमान की बात तो मेरे से हुई, अयाज मौलवी साहब से हुई, मैंने हाई कमान की बात उन लोगों तक पहुँचाया। अब वो अगर न माए तो मेरी उसमें क्या गलती है, क्या सोच है, वो उनकी मर्जी है। बाकी मेरा जो काम है इंशाल्लाह मैं करते रहूँगा, कोई पार्टी का आदमी आए या ना आए, मैं अकेले दम खम पे मैं 2 साल से चला हूँ, आगे भी चलता रहूँगा इंशाल्लाह। क्या कार्यक्रम हुआ था उसके बारे में? यहाँ पे मुस्लिम रिजर्वेशन का मुद्दा जो हमारे असद भाई ने रखा था 27 तारीख की डेट बढ़ गई है उसका, तो अभी परमिशन नहीं मिला है, तो इसलिए हम लोग चाह रहे कि पूरे मुंबई में मीटिंग हो। ये कॉर्नर मीटिंग थी, यहाँ पे एक मीटिंग हुई है, फिर आगे चल के जो जो भी हमारे MIM के चाहने वाले लोग हैं अगर मीटिंग रखते हैं तो हम लोग पूरे टीम को लेकर के वहाँ पहुँचेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जमा करना चाह रहे हैं कि आगे प्रोग्राम जो है हमारा डेट जो मिलेगी उसको सक्सेस करना है, काम करना चाह रहे हैं हम लोग। और कहाँ कहाँ मीटिंग होने वाली, क्या तैयारी? अभी अम्बरनाथ में मीटिंग हुई है, मुंबई में कहाँ कहाँ होने वाली? मुंबई में अभी सालम भाई के बंगले पे हुई थी एक मीटिंग, दूसरी मीटिंग यहाँ पे हुई है, अभी देखते हैं इंशाल्लाह आगे चल के 2-4 मीटिंग और रखने का इरादा है हम लोग।